तो आज मैं बात करने वाला हूँ रिंकल्स के टॉपिक के ऊपर कि रिंकल्स किस तरीके से बनाई जाती है, उसका सही फॉर्मेट क्या है जिससे कि रिंकल्स रियल लगे। तो आज मैं पेंसिल शेडिंग में आपको कुछ रिंकल्स इसमें से बना के दिखाने वाला हूँ। तो उसके लिए मैंने एक रेफरेंस लिया है ओल्ड मैन का, जिसमें से मैं एक आईज आपको बना के दिखाऊंगा, जिससे कि आपको समझ में आएगा और डाउट क्लियर हो जाएगा किस तरीके से रिंकल्स को बनाया जाता है। तो हम एक लेफ्ट आईज ये ले लेते हैं, ठीक है। इसको मैं आपको बना के दिखाता हूँ कि कहाँ पे कितना डार्क शेड डालना है, कहाँ कितना लाइट शेड डालना है, किस तरीके से पेंसिल को होल्ड करना है और कौन सी पेंसिल यूज करना है जिससे कि आप इसमें रियलिस्टिक लुक दे सकें। तो स्टार्ट करता हूँ मैं, ठीक है। तो इसको पहले तो ड्रॉ कर लेते हम। एक रफ कर लेते हैं अभी ड्रॉ। जब भी आप ड्रॉ करें तो आपको सिर्फ वही रिंकल्स ड्रॉ करनी होगी जो उसमें ज्यादा दिख रही हैं आपको, जैसे जो जो हार्ड रिंकल्स दिख रही हैं, डार्क वाली रिंकल, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। ज्यादा हर एक चीज की डिटेलिंग नहीं करनी है, मेन मेन रिंकल्स को आपको बनाना है। फ्री हैंड स्केचिंग अच्छी है तो आप फ्री हैंड भी ड्रॉ कर सकते हैं, ना तो आप ग्रिड का भी हेल्प ले सकते हैं कि किस तरीके ग्रिड से ड्राइंग कर सकते हैं। अगर आपको बहुत टफ लग रहा है कि रिंकल्स इतनी सारी बनाना है फ्री हैंड, तो आप ग्रिड की भी हेल्प लेके ड्रॉ कर सकते हैं। वैसे तो हमें ग्रिड कम से कम यूज करना चाहिए, बट स्टार्टिंग में आप बिगनर है तो आप ग्रिड से भी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से एक मैंने रफ स्केच कर लिया है, ठीक है। अब इसको हमें स्टार्ट करता हूँ बनाना। आउटर लाइन डार्क करेंगे पहले, ठीक है। इसको मैंने आपको पहले ही बताया था कि लाइनों कैसे मिक्स करा जाता है, ठीक है। अभी जो मैं यूज कर रहा हूं वो मैं यूज कर रहा हूं 8B पेंसिल, ठीक है। और अभी मैं स्टार्टिंग में दो ही पेंसिल यूज करूंगा, 8B और एक लाइट पेंसिल, नॉर्मल राइटिंग पेंसिल होती है ना, उसका यूज कर रहा हूं मैं अभी, ठीक है। इस आउटर लाइन को डार्क कर देंगे हम और इसको धीरे धीरे अंदर की साइड मिक्स करेंगे लाइन को। लाइन पर शेड करना है ऐसे राउंड राउंड और उसको अंदर की साइड मिक्स करना है। देखिए थोड़ा आपको मैं जूम करके दिखा देता हूं कि किस तरीके से मैं शेड कर रहा हूं, ठीक है।